इंदौर समेत प्रदेश भर में मंगलवार से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। कारण, प्रदेश भर में 9000 आयुष डॉक्टरों और नर्सों का हड़ताल पर जाना है। समान वेतन और संविदा नौकरी की मांग को लेकर इन डॉक्टरों ने काम पर नहीं आने का फैसला किया है। इस संबंध में सभी ने सोमवार को CMHO को मांग पत्र भी सौंपा था। बता दें, कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआती दौर में सरकार ने मरीजों को इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रदेश में 7 से 8 हजार आयुष चिकित्सा, दंत चिकित्सा, पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट सहित नर्सिंग स्टाफ की नियुक्तियां की गई थी। लेकिन अब थोड़ी राहत के बाद सरकार अपने फैसले से पीछे हट रही है। इसी बात से नाराज आयुष डॉक्टरों और नर्सों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। 1000 अबव डॉक्टर हैं, हम सभी एक साल से कार्यरत हैं, लेकिन उसके बाद जब कोविड की लहर ख़त्म हो जाती है तो हम लोगों को निकाल दिया जाता है। जब वापस आती है तो हमें वापस रख लिया जाता है, तो ऐसा कब तक चलेगा? तो हम सब चाहते हैं कि हम जितने भी आयुष हैं, पैरामेडिकल हैं, डेंटल हैं, जितने भी स्टाफ हैं जिनकी कोविड में नियुक्ति हुई है, नर्सिंग स्टाफ है, सभी का मैं बोल रही हूँ, जितने भी अस्थायी जो कर्मचारी हैं उनका संविदा में नियुक्ति की जाए और हम लोगों का वेतन बढ़ाया जाए। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर, सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट। मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई पेपर। एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो। मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें। अभी इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। MTH हॉस्पिटल में कार्य कर रही हूँ। साल भर हो गया है, हमारी मांगों को लेके सब कुछ कर रहे हैं पर हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है। इतनी महामारी में लगातार बीमार होने के बाद मेडिसिन ले लेके हम लोगों ने काम किया है और सभी लोग कर रहे हैं। मैं संक्रमित हुई, मेरे संग मेरा पूरा परिवार संक्रमित हुआ। मेरे हस्बैंड की भी तबीयत खराब हुई, उस दौरान मैंने यहीं पर एडमिट किया उनको और उस दौरान मैंने ड्यूटी भी की। उसके बाद मैंने जो 10 दिन की छुट्टी ली उसके उस और राखी दिवाली सारी मैंने जो भी त्यौहार यहाँ पे ड्यूटी की हैगी, यानी बिगर अवकाश लिए हुए मैंने काम किया, जिसका मुझे ये फल मिला कि मेरे हस्बैंड की डेथ होने के बाद मैंने ड्यूटी के दौरान 10 दिन की छुट्टी ली, उसका भी पेमेंट मेरा काट लिया गया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और मेरे 3 बच्चे हैं, मैं किराए के मकान में रहती हूँ और अब ऐसा बोला जा रहा है कि आप लोगों को निकालेंगे, तो निकालने के बाद मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँगी, क्या करूँगी, ये मैं सरकार से करती हूँ। और हमारी मांगे ये है कि हमें संविदा में विलय किया जाए या स्थायी नियुक्ति दी जाए। आयुष डॉक्टरों और नर्सों द्वारा कोविड सेंटर के बाहर बैनर लेकर प्रदर्शन कर अपनी मांग मांगने की कवायद शुरू कर दी गई है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आने वाले दिनों में शासन व सरकार के सामने उग्र प्रदर्शन करेंगे। मृदुभाषी के लिए इंदौर से चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।